हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नाउन, मतलब संज्ञा क्या होती है, डेफिनेशन, टाइप्स और एग्जांपल। तो चलिए वीडियो सीधे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नाउन का हिंदी क्या होता है, संज्ञा। संज्ञा मतलब क्या, जैसे हम और आप जो भी इस दुनिया में आए हैं उसके बाद उनका क्या पड़ा है, नाम पड़ा है। कोई भी प्लेस का नाम, ह्यूमन बीइंग का नाम, कोई एनिमल का नाम, किसी चीज का नाम। आपको कुछ चीज मंगानी है तो आप ऐसा नहीं बोलते मेरे लिए वो लेकर आओ, मेरे लिए टेबल लेकर आओ, मेरे लिए चेयर लेके आओ, मेरे लिए फैन लेकर आओ। मतलब आप उसका इंडिविजुअल नाम बोलते हैं तो अगले को समझ में आता है कि आपने क्या मंगाया है। तो संज्ञा क्या होती है, बस नाम को ही हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। कि किसी भी, अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि नाउन क्या होगा, तो नाउन को क्या बोलेंगे, अ नेमिंग वर्ड। सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, एक सिंपल लैंग्वेज में। और इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन ऑफ नाउन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी, अ नाउन इज द नेम ऑफ, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, डेफिनेशन से निकल के आ रहा है कि नाउन क्या होगा, किसी का नाम, कोई भी पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकती है या चीज हो सकती है, आप एनिमल भी ऐड कर सकते हैं। अभी तो ये बात हो गई डेफिनेशन की, ठीक है, डेफिनेशन मीनिंग एक ही बात है। अब हम करेंगे नाउन, अब आपने नाम लिया, जैसे मान लो किसी का भी नाम लिया कि राधा इधर आओ, राम इधर आओ, आपने ये नाम ले लिया, ये सिंपली नाम हो गए, चीजों के नाम हो गए, फैन, टेबल, चेयर और किसी प्लेस का नाम हो गया, दिल्ली, मुंबई, ये सारे आपके इंडिविजुअल नेम हो गए। अभी आपको क्या करना है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, काइंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स या काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ नाउन तो मेनली कितने टाइप्स होते हैं, फाइव टाइप्स होते हैं। कौन कौन से हो गए आपके, प्रॉपर नाउन, सेकेंड है आपका कॉमन नाउन, थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन, फोर है आपका मैटेरियल नाउन, और फाइव है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अलावा आपके काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी होते हैं, लेकिन जो मेनली होते हैं वो क्या होते हैं, ये फाइव होते हैं। तो मैं पहले इन सबको एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद आपको काउंटेबल और नॉन काउंटेबल बताऊंगी, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर नाउन, इस वर्ड प्रॉपर से समझ में आ रहा है कि हम पर्टिकुलर किसी का नाम ले, मतलब किसी विशेष का हम नाम ले तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। जैसे आपका नाम है ज्योति, मोहन, जॉन, कमला, ये क्या हो गया, सिर्फ नाम है। सिंपली प्लेस की बात करें, सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल के साथ लिखा देती हूँ। तो डेफिनेशन क्या होगी, नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग के बारे में। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए,
सबसे पहले है नेम। नेम में क्या क्या हो सकते हैं? ज्योति, ज्योति, नेहा, मोहन, ममता और बहुत सारे। ठीक है, किसी का भी आप नाम लेंगे तो वो क्या हो गया? आपका प्रॉपर नाम। आपको किसी को बुलाना है तो आप क्या करेंगे? उसका नाम लेंगे कि नेहा कम है, मोहन कम है, ज्योति कम है। तो पर्टिकुलर वही पर्सन आएगा आपके पास जिसका नाम है वो। ठीक है, जैसे नेहा है तो नेहा आपके पास आएगी। ऐसी प्लेस की बात करें तो, प्लेस की बात करें तो प्लेस में क्या हो जाएंगे? कोई भी प्लेस, दिल्ली, इंडिया, भोपाल, इंदौर और बहुत कुछ। ऐसी आप पर्टिकुलर डे की बात करें, जैसे संडे को मेरा बाहर घूमने जाने का प्लान है, तो आप पर्टिकुलर कोई दिन बताएंगे कि हाँ मैं तुम्हारे पास मंडे को मिलने आऊंगा। तो ऐसे करके आप ले सकते हैं संडे, मंडे। आप इंडिविजुअल ऐसा नहीं बोलेंगे मैं इन डेज को आऊंगा, मैं पर्टिकुलर संडे आऊंगा या मंडे आऊंगा। तो ऐसे करके मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, ये सारे जितने डेज होते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर आपके पास मंथ हो सकते हैं। मंथ्स में आप क्या लेंगे? जनवरी, फरवरी, अप टू दिसंबर। जैन, फैब, मार्च, पूरा कहा दिसंबर तक। ऐसी कोई पर्टिकुलर बुक की बात कर सकते हैं, जैसे गीता हो गई, गीता, कुरान और एज मैनी मोर। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। पर्टिकुलर किसी किसी भी चीज का, प्लेस, पर्सन और थिंग का पर्टिकुलर हम नाम लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होते हैं? जैसे आपको बहुत सारी लड़कियों को बुलाना है तो आप क्या बोलेंगे? सिंपली गर्ल्स कम हेयर। आपको बहुत सारे लड़कों को बुलाना है तो आप बॉयज बोलेंगे। उसमें आप किसी का नाम नहीं बोल रहे कि राधा आओ या रानी आओ, ज्योति आओ, ऐसे आप बुला इंडिविजुअल नहीं बुलाओगे। आप क्या बोलोगे? सिंपली गर्ल्स कम हेयर। ऐसे आपको सब्जी लेने जाना है बाहर तो आप ऐसा नहीं बोलते मैं आलू लेने जा रहा हूँ। हम क्या बोलते हैं? सब्जी लेने जा रहा हूँ, फल लेने जा रहे हैं। कोई भी घूमने जा रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं? पर्टिकुलर बोलेंगे हम प्लेस में घूमने जा रहे हैं या कोई स्टेशन घूमने जा रहे हैं। रिश्तेदार हो आएंगे तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे मेरे पापा आए, मैं आप क्या बोलेंगे? मेरे रिलेटिव आए हैं। तो ऐसे करके जब हम एक साथ कोई वर्ड को यूज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। नेम ऑफ एनी सिमिलर टाइप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, क्या हो जाएगा? जैसे फ्रूट्स नेम, तो फ्रूट्स में आपके क्या? एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, बनाना सब आ जाएंगे। एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, बनाना एंड सो ऑन। ठीक है, फ्रूट्स के बाद ऐसे वेजिटेबल ले लेंगे। वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स में आपका अनियन, टमाटो, पी, ग्रीन पी सब आ जाएगा। ठीक है, और भी आप ले सकते हैं प्लेस का नाम। प्लेस में हिल, विलेज, पार्क, गार्डन, फिर रिश्तेदार, रिलेटिव्स, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, कजिन्स, पक्षी में ले सकते हैं आउल। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत पूछा जाता है। अगर नाउन आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो कलेक्टिव नाउन उसमें डेफिनेटली पूछेंगे। थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को अगर आप डेफिनेशन बोले कलेक्टिव नाउन का, तो आप क्या बोलेंगे? पर्सन और थिंग्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम? पर्टिकुलर कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट से आपका क्या आ जाता है? कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, कोई भी बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना। पर्सन और प्लेस, ऐसा आप आगे लिख सकते हैं, नेम ऑफ पर्सन और प्लेस इन कलेक्शन। कलेक्शन में हम किसी भी पर्सन और प्लेस के बारे में नेम की बात करें, तो हम उसे क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। जैसे कलेक्शन ऑफ पर्सन हुआ, इसमें टू टाइप्स में और डिवाइड किया है, कलेक्शन ऑफ पर्सन। कलेक्शन ऑफ पर्सन तो क्या हो जाएगा आपके पास? क्लास हो गई, टीम हो जाएगी कोई, या फैमिली हो जाएगा, या आर्मी। ये क्या हो जाएगा? पर्सन का कलेक्शन। ये और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ये हो गया आपका कलेक्शन ऑफ पर्सन, और दूसरा आ जाएगा आपका कलेक्शन ऑफ थिंग्स। कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग में क्या क्या आ सकते हैं? पैक, हाइव, बंच और ट्रेन। ये आपकी चीजों का कलेक्शन, सबसे पहले आदमी का या पर्सन का या इंसान का कलेक्शन, दूसरे में आपका थिंग्स का कलेक्शन, तो पैक हाइड। जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये कलेक्शन है, कुछ एग्जाम्पल मैं बताती हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है। जैसे आपसे कभी ऐसा एग्जाम में आता है, एन डैश ऑफ सोल्जर, तो बोल देंगे पुट द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। तो आपको यहां पे क्या फिल करना पड़ेगा? आर्मी, अ डैश ऑफ कार्ड्स। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे? पैक, अ डैश ऑफ डियर, ये एनिमल है, अ डैश ऑफ डियर। यहां पे क्या लिखेंगे आप? हर्ड। ऐसा पर्टिकुलर आपको क्या करना है? नेम को फिल करना है। तो ये हमारा कलेक्टिव, कि सोल्जर है बहुत सारे, मतलब आर्मी मैन है, तो उनके लिए हमने क्या यूज करा? आर्मी। कार्ड है, कार्ड के लिए हम क्या? अ पैक ऑफ कार्ड, अ हर्ड ऑफ डियर। ऐसे आपके पास अ सूट ऑफ सर्वेंट, अ हाइव ऑफ बीज, अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, एन असेंबली ऑफ पर्सन, अ पार्लियामेंट ऑफ नेशन, इस टाइप के बहुत सारे क्या है? कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटेरियल नाउन की। नेक्स्ट है आपके पास मेटीरियल नाउन। अब मेटीरियल नाउन क्या होते हैं? जैसे आपके पास ऑर्नामेंट्स हो गए, गोल्ड हो गया, इन सबको जब हम एक साथ कहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? मेटीरियल नाउन। मटेरियल से वर्ड समझ में आता है, कोई चीज का मटेरियल है और उसको नाउन में उसको नाम दिया गया है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? मेटीरियल नाउन। अगर हिंदी में बात करें तो किसी पदार्थ के नाम को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी मटेरियल का नाम, अ नेम ऑफ एनी मटेरियल, अ नेम ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल के नाम को हम क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास जैसे आयरन, लोहा, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर,
उसके बाद स्टोन, कॉपर, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, मटेरियल नाउन। उसके बाद हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लास्ट आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु का, स्थान का स्वभाव, प्रकृति, अवस्था या गुण के गुण को प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो हिंदी होता है वो होता है भाववाचक, मतलब आपको शक्ल देख के पता चल जाए कि आज वो हैप्पी है या आज वो सैड है, या वो कोई मैच जीत गया तो बहुत खुश है, हार गया तो बहुत दुखी है, मतलब उसके जो एक्सप्रेशन है वो उसके फेस पे दिखाई दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आप बहुत गुस्सा हो तो आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी, आंखें लाल हो जाएगी, तो आप पता चल जाएगा कि सामने वाला गुस्सा है, अभी उससे क्या करना है, संभल के बात करना है, मतलब तो कुछ चीजें जो फेस पे दिख जाती है तो वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या होगा, द वर्ड विच एक्सप्रेस एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेस करते हैं आपके एक्सप्रेशन, उनको ही क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके, एग्जाम्पल में है लव, अगर आप किसी को बहुत प्यार कर रहे हैं, चाहे वो मम्मी हो चाहे पापा हो, तो दिखता है कि हाँ बेबी खुश है, वो अपने फादर मदर से लव कर रहा है। हेट, कोई खाने में कुछ अच्छा नहीं लगता तो सड़ा सा मुंह बना लेते हैं, तो हेट। मर्सी, कि कोई गरीब आया तो बहुत दया आ रही है, तो मर्सी। फिर हॉट, छुआ गरम लग गया तो हाँ गरम लग गया। कोल्ड, फिर करेज, इस टाइप से जिसका जिससे आपके वर्ड्स एक्सप्रेस हो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब बात करते हैं हम जो हमारे नाउन है, लेकिन नाउन से थोड़ा सा अलग है, तो क्या होंगे वो आपके, काउंटेबल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जो अपने वर्ड में खुद ही एक्सप्रेस कर रहा है कि हाँ काउंटेबल मतलब गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब नहीं गिन सकते। तो अभी जो करंट आप देखेंगे नाउन, तो इसमें ऐड कर दिया गया है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल, पहले नाउन में सिर्फ पांच ही पढ़ाते थे, पर अब ये भी ऐड किया, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काउंटेबल और नॉन काउंटेबल अनकाउंटेबल को भी पूछा जाता है। तो काउंटेबल की बात करें तो जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं, काउंटेबल क्या होंगे, जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं, जैसे बुक, तो बुक का क्या हो जाएगा, बुक्स, तो इसका प्लूरल बन गया तो ये काउंटेबल। अब स्टार है, स्टार तो ऊपर होते हैं लेकिन हम उन्हें गिन नहीं सकते, लेकिन फिर भी क्या है वो, काउंटेबल है, क्योंकि इसका क्या होता है, प्लूरल इजीली बन जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। अभी ये नहीं बोल सकते कि स्टार गिन नहीं सकते तो अनकाउंटेबल है, स्टार क्या होगा आपका, काउंटेबल में आएगा। तो आप सिंपली क्या बोल सकते हैं, वे सभी काउंटेबल नाउन जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, काउंटेबल नाउन। ठीक है, और भी एग्जांपल लेना चाहें तो आंसर, आंसर, आंसर्स, सिंपल लैंग्वेज में हम यही बोलेंगे, जिनका प्लूरल बना ले वो क्या होंगे हमारे, काउंटेबल। बस, बस है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, टॉय, टॉयज। अब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल की, अनकाउंटेबल क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन क्या होंगे,
जिनको हम गिन नहीं सकते। अब जिनको हम नहीं गिन सकते तो सिंपल भाषा में यहाँ पे हमने क्या बोला, जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं वो हमारे क्या हो गए, काउंटेबल नाउन। और यहाँ पे क्या होगा, जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते वो हमारे क्या होंगे, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखने का कि जो मटेरियल नाउन हमने पढ़ा है ना, तो मटेरियल नाउन जनरली क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जो मटेरियल नाउन होते जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनको इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते, तो ये हमारे सारे क्या हो जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन में हम क्या लिख सकते हैं, मटेरियल नाउन, मोस्टली मोस्टली मटेरियल नाउन आर अनकाउंटेबल, मोस्टली अनकाउंटेबल, ठीक है, मोस्टली मटेरियल नाउन आर अनकाउंटेबल। तो अभी आप उसमें ये भी देख सकते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे गोल्ड, मैंने वहां भी बताया था, गोल्ड, वाटर, सिल्वर, जिसका हम प्यूरल नहीं बना सकते सिंपली वो क्या है हमारा, अन हेल्थ, वेल्थ, टी, मिल्क, जितने भी लिक्विड सोर्स होते हैं वो सारे अनकाउंटेबल होते हैं। तो बहुत सारे इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, बाकी जो नाउन है एक बहुत ही इजी टॉपिक है, प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी, सिर्फ क्या है बेसिक कंसेप्ट को आपको माइंड में रखना है। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को पक्का प्रेस करें। थैंक यू व्यूअर्स।